अभी तक जो है हमने एक एडवाइजरी जारी की है, और ख़ास तौर से जो 7 प्रदेश जहां जो है ये वायरल लोड काफ़ी हैवी है उन प्रदेशों के, लेकिन अब हम इस बात को भी देख रहे हैं कि वो 7 प्रदेश ही नहीं रह गए हैं, बहुत सारे अब पूरे देश भर में स्थिति लगभग एक जैसी बनती जा रही है, क्योंकि वायरस का स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो हम सब लोगों के लिए परेशानी का कारण है, चिंता का विषय है। ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के हम बहुत जल्दी और भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमने इतना जरूर किया है कि बंदिशें लगा करके ही समाधान होगा ये भी संभव नहीं है। हमें प्रदेश की आर्थिकी को भी देखना है, गरीब आदमी की परिस्थितियों को भी देखना है। एक जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो हमारी हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसके जो है वो उस पर उसका प्रभाव क्या होगा, उसमें क्योंकि हज़ारों ने लाखों लोगों को रोज़गार उसके माध्यम से उपलब्ध हुआ है, उस सारी चीज़ पर भी आकलन करना, इन बातों को लेकर के विचार करेंगे। यही कहाँ होगी इस बात, देखिए एक तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो SOP जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविज़न है, जब वहाँ पर आएंगे तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनके लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहाँ दूसरे प्रदेशों से आए तो उनसे उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि वो जो 72 आवर्स की हमारी कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के हम प्रयत्न कर रहे हैं, और वहाँ पर जो कामकाज करने के लिए जो स्टाफ है सारा वहाँ होटल में, उसके लिए भी हमने जो SOP तय किया है उस SOP के तहत ही वो लोग काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वायरस का दौर जब थमेगा तो निश्चित रूप से जो है वो एक सामान्य जीवन की ओर हम बढ़ेंगे। हिमाचल के लोग जो बाहर रहते हैं जैसे पंजाब हरियाणा, उनको अगर हिमाचल आना हो अपने, नहीं वो अभी किसी को रोकने की बात नहीं है। पिछली बार उनके लाने की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ रही थी अलग से हमको, क्योंकि लॉकडाउन था और हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया था हमने, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया था, क्योंकि बॉर्डर पर ही क्वारंटीन करने की उस वक्त व्यवस्था की गई थी। फिलहाल अभी तक हमने जो है बॉर्डर पर किसी को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है, क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए उनके लिए जो है वो हम नहीं कहा है। तो ऐसी सूरत में जो आना चाहता है वो आए, लेकिन आ करके मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहाँ हैवी लोड है वायरल का, वो कम से कम घर पहुँच करके अपने आप को क्वारंटीन करें। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल TV, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।